इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक डकैती का खुलासा हुआ है। सेक्टर 9 में पिछले दिनों एक डकैती होती है जिसके अंदर 5 डकैत आते हैं घर के अंदर रात तकरीबन 12 बजे, और 12 बजे जब घर के अंदर वो आते हैं तो फिर एक बुजुर्ग दंपत्ति को अपना निशाना बनाते हैं, और निशाना बनाकर तकरीबन 85,000 रुपए कैश, साथ ही साथ घड़ियां इंपोर्टेड और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर चले जाते हैं। सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। पिछले दिनों जो डकैती हुई थी उसका बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि बुजुर्ग दंपत्ति को मारा पीटा भी गया था और घर से काफी ज्यादा सामान जो है लेकर चले गए थे, और फिलहाल जो पूरा मामला है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट एक ये है कि जो आरोपी पकड़ा गया है उसमें से एक की जो माता जी है वो घर में साफ सफाई का काम करती थी। ब्रदर, इसमें क्या होता है, 11 और 12 तारीख की रात को इसी महीने की मकान नंबर 1702 सेक्टर 9 में डकैती की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उसमें कुल 5 लड़के डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं, और उसमें मकान में बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, दोनों अकेले, दोनों बुजुर्ग थे, और उनमें से एक लड़के को पता, उनमें से जो डकैत थे लड़के, उनमें से एक लड़के की मदर इस मकान में पहले काम करती थी और अपनी मदर के साथ इस मकान में आया पहले, उसको पता था कि मगर इकट्ठे होके इतने लड़के इसमें वारदात को अंजाम देंगे कि तो इन बुजुर्ग दंपत्ति को हम बोलने का मौका नहीं देंगे। तो उस दिन उन्होंने सलाह करके रात को सेक्टर 12 में, वो उधर काम भी करते हैं रेडी वगैरह पे लड़के, तो शायद सेक्टर 12 में बैठते हैं, उधर ही नशे करते हैं वो, तो उस दिन सलाह करते हैं। सलाह करने के बाद वो रात को इधर आते हैं जी 12:30-1 बजे के करीब, और मकान का ताला तोड़ के एंटर कर जाते हैं अंदर। उनको दोनों को बुजुर्ग दंपत्ति मिलते हैं, पहले वो बुजुर्ग अंकल के साथ मारपीट करते हैं, उनके सारे घर को खंगालते हैं, जो कुछ पैसा या जो कुछ मिलता है उनको उसको काबू कर लेते हैं। मदर जो माता जी थी उनके पास भी जाते हैं, उनसे भी सारा कुछ सामान पूछते हैं, चाकू की नोक पे वो बता देते हैं भाई ये सामान मकान में फलानी जगह पे रखा है, वो सारा मकान का सामान जो भी उनके लायक था काबू कर लेते हैं। काबू करने के बाद माता जी की कान में एक बाली थी, उसको उन्होंने स्नैच करने की कोशिश की, बट वो कर नहीं पाए, नहीं कर पाए तो उन्होंने कान को चाकू से काटने की कोशिश भी, जिससे काफ़ी ब्लड निकला था, लेकिन वो फिर भी बाली नहीं निकाल पाए। तो इस तरह वो मकान से 80,000 से 85,000 रुपये लेके चले गए थे जी, और 2 मोबाइल फ़ोन, 4 से 5 घड़ियाँ और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी जी, वो लेके चले गए थे। उसमें से हमने 4 बच्चों को आज संरक्षण में ले लिया है, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4ों से चाकू बरामद कर लिए गए हैं जी, कुछ पैसे बरामद कर लिए गए और आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आपने कैसे पूरी गुत्थी को सुलझाया? इसमें क्या हुआ जी, कुछ तो आप लोगों को, मीडिया वालों को बहुत सहारा होता है, उसमें आप लोगों ने फुटेज वगैरह दिखाई है, और हमने भी जब पहली बारी फुटेज देखी उसमें लड़कों की जो चाल देखी है उसमें, हमने पहले उनमें से एक लड़के को अरेस्ट किया हुआ था, पहली फुटेज भी हमारे पास थी, उसकी चाल सेम थी पहले वाली की। उनमें से एक लड़के ने मंदिर में चोरी की हुई थी पहले, तो हमने उसके लड़के के घर पे तलाश किया, वो लड़का घर पे नहीं मिला, जो उसके साथ उठने बैठने वाला थे हमारे को पता था भाई ये फलां फलां लड़के के साथ उठता बैठता है, उनको भी तलाश किया था, उनमें से कुछ लड़के मिले कुछ नहीं मिले, जो मिले उनसे पूछताछ करी तो उनको उसके बारे में नहीं पता था कहाँ पे हैं वो, और जो लड़के नहीं मिले वो इस वारदात में शामिल थे, और करते कराते हमारे को आज मिल गए हैं जी, सभी इकट्ठे थे, उनको हमने संरक्षण दिया। पहले रेकी वगैरह भी दरखास्त दी गई थी, तो क्या आपको लगता है कि इस वारदात को रोका जा सकता था? नहीं, इसमें पहले दरखास्त नहीं दी थी जी, वो आए थे यहाँ पे लेकिन आके उन्होंने थोड़ा जिक्र किया था, उनको कंप्लेंट लिखने के लिए बोला गया था, और उस टाइम किसान आंदोलन चला हुआ था जी, उनमें शायद कोई एक दो जानकार हो सकता है हमारा, उन्होंने कहा था कि हमें तो इंचार्ज साहब से मिलना है, उनसे ही डिस्कस करके हम आगे इसमें कुछ स्टेप लेंगे, लेकिन उसके बाद वो चौकी में नहीं आए, और जिस कारण कोई उसमें तत्परता दिखाती तो कुछ इस वारदात को रोका भी जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता था जी, उन्होंने हमारे को दोबारा कोई सूचना नहीं दी, वो हल्का सा इधर जिक्र करके गए थे हमारे। कब कब रेकी वगैरह कब की गई? हाँ जी, उसमें पहले इसी महीने की 7 तारीख को भी वो देखने के लिए आए थे इधर मकान में, और जो 5 लड़के इस वारदात में शामिल है उनमें से एक लड़का अलग था जो पहले रेकी वाले में आया था, पहले 3 लड़के रेकी करने के लिए आए थे जिसमें। तो ये कैसे, किसने बताया कि रेकी करने आए थे, ये कैसे पता चला? ये जो लड़के अभी रेस्ट किए हैं जो हमने संरक्षण में लिया, इनमें से लड़के ने बताया, वो पहले भी 7 तारीख को भी उनमें से आया था। एक लड़का वही काम करता था,
उस एक लड़के की मदर काम करती थी वहाँ पे, वो अपनी मदर के साथ एक दो बार आया हुआ था वहाँ पे। अब क्या क्या बरामद कर लिए? अब इनसे कुछ 8 से 9 हज़ार रुपए के आसपास बरामद किए गए हैं, चारों से चाकू बरामद किए गए हैं, थोड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बरामद की गई है। किस तरीके से रोकने का प्रयास आप, ये सेक्टर 9 और 8 जिस तरीके से एक वीरान एरिया है, उस तरीके से कैसे रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? इसमें सर हम पहले भी दिन रात 24 घंटे गश्त पे रहते हैं, और हमारे को ये होता है भाई इस एरिया में ज़्यादा चोरियां हो सकती हैं या कुछ स्नैचिंग हो सकती है, हम उस एरिया में पहले ही ज़्यादा गश्त करते हैं जी। लेकिन फिर भी ये भी चौकन्ने होते हैं, आइडिया लगा लेते हैं भाई पुलिस इस साइड में गश्त करके चली गई, दूसरी साइड में गई है, तो उस टाइम ये वारदात को कई बार अंजाम। आरोपी हैं जिन्हें भी अरेस्ट करना है? इसमें जी वारदात को अंजाम देने वालों में से एक आरोपी अभी फरार है, जो पहले रैकी में था एक लड़का वो फरार है, और इसमें से कुछ आरोपी 4 से 5 और गिरफ्तार हो सकते हैं, जिसको इन्होंने सामान दे रखा है, कुछ पैसे दे रखे हैं, कोई मोबाइल वगैरह दे रखे हैं, और कुछ लड़कों ने इनको शरण भी दिया जी। तो ये हाँ पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड इनमें से एक लड़के का है, उसमें से पहले भी कुछ बाइक वगैरह बरामद की गई हैं, और एक मंदिर में जो चोरी करी थी जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में जिक्र किया था उसमें उसको अरेस्ट किया। ये नाबालिग हो सकते हैं जो 4 से 5 है इसमें? ये तो पहले जो अरेस्ट किए आज संरक्षण में लिए हैं, ये तो सारे ही नाबालिग हैं जी। और जो और अरेस्ट हो सकते हैं फरार वाला, वो जो एक लड़का है वो भी नाबालिग ही पता चल रहा है फिलहाल तो, बाकी उसकी एज प्रूफ वगैरह लिया जाएगा और बाद में ही पता चलेगा, उसका भी कुछ नहीं कह सकते। जो चोरी डकैती आप करते हो उसमें ज्यादातर ये नशे के आदमी हैं बच्चे? हाँ यही होता है जी, बच्चे नशे का काम ही करते हैं, नशा करने के बाद ही ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं ये। पूरा मामला हम आपको समझा देते हैं एक बार क्या हुआ था। पिछले दिनों रात 12 बजे सेक्टर 9 इलाके में 5 डकैत आते हैं, नाबालिग डकैत आते हैं, वो एक घर के अंदर घुस जाते हैं, ताला तोड़ते हैं, और ताला तोड़ने के बाद जब वो घर में घुसते हैं तो बुजुर्ग दंपत्ति को मारा जाता है, पीटा जाता है, बुरी तरह मारा पीटा जाता है, और उसके बाद घर में जो अलमारियां थी उसकी चाबी खोसने के लिए लेने के लिए उन्हें लगातार मारा पीटा जाता है। उसके बाद 85,000 रुपए कैश, साथ ही साथ 4 से 5 इंपोर्टेड घड़ियां, 2 मोबाइल फोन लेकर फरार हो जाते हैं। उन 5 में से 4 नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। इसके अलावा एक आरोपी नाबालिग अभी वो फरार चल रहा है, एक नाबालिग आरोपी वो भी हो सकता है जो रेकी करने में इनके साथ शामिल हुआ था। पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है सोल्व हुई है, नशे के ये आदि थे, और उनमें से एक नाबालिग आरोपी की माता इस घर के अंदर साफ सफाई का काम करती थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये पूरी वारदात को अंजाम देने का फैसला किया। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये तस्वीरें हम आपको सेक्टर 9 चौकी से दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरों में इस वक्त आपने देखा जो सेक्टर 9 पुलिस चौकी को सफलता हासिल हुई है। 3 दिन पहले ही हम लोगों ने आपको दिखाया था कि किस तरह से सेक्टर 9 में एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर पर रहता था, घर पर उनके अलावा कोई भी नहीं रहता था, उनका एक बेटा था जिसकी 2014 में ही डेथ हो चुकी थी, और वो लोग अकेले थे, और रात को तकरीबन 12 बजे, जी हाँ तकरीबन 12 बजे 5 डकैत आते हैं, जी हाँ 5 लड़के जो कि नाबालिग हैं और घर में आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। उनके घर पे उनके साथ मारपीट की जाती है जो बुजुर्ग दंपत्ति है, और अलमारी की चाबियां छीनी जाती है जिसमें उनसे कुछ पैसे उनसे लूट कर चले जाए जाते हैं। लेकिन आज जो है सेक्टर 9 पुलिस चौकी ने काफी सफलता हासिल की है, 5 में से जो 4 नाबालिग लड़के हैं उनको पकड़ लिया जा चुका है, और ये भी बताया जा रहा है उनमें से जो एक लड़का है उसकी जो मम्मी थी वो उसी घर में साफ सफाई का काम करती थी, जी हाँ उसी घर में साफ सफाई का काम करती थी, और वो अपनी मम्मी के साथ एक जो लड़का है एक बार दो बार घर में जा भी चुका है, तो उसको थोड़ा सा अंदाजा लगा कि घर में बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं और कितना पैसा है, कितना हिसाब किताब वो सारा कुछ देखकर आ चुका था कि घर में क्या है, और वहीं से उसको पता चला। और उसके बाद जो ये 5 लोगों ने 5 जो नाबालिग लड़के हैं उन्होंने ये प्लान बनाया और सेक्टर 9 में जो घर है उनके वहां पर जाकर ये ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं। कहा जाता है कि ऐसे पहले भी वारदात हो चुके हैं कि जो बच्चे आजकल ये नाबालिग हैं नशे की लत में हो जाते हैं और इस वजह से ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं, और इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने भी बताया कि 4 पकड़े जा चुके हैं, 1 फरार है, और कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द जो 5वां है लड़का उसको भी जल्द से जल्द पकड़ा जा चुका है, फिलहाल वो फरार है। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ऐसे पहले भी काफी मामले देखने को मिले हैं करनाल में, और इस बार भी ऐसे और नाबालिग ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं क्योंकि वो लोग नशे की लत में पड़ जाते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।